क्लास उसके बाद है हमारा आज का इंग्लिश का काम है। हमारा कल यूज़ ऑफ इट का आप लोगों का टेस्ट था, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ दिस। ये देखिए टॉपिक यूज़ ऑफ दिस, द इस दिस टॉपिक क्या है, यूज़ ऑफ दिस। हमारा आज पहला सेंटेंस है टी एच आई एस दिस, ऐसे ही आप लोगों ने स्पेलिंग भी याद करने हैं, टी एच आई एस दिस। अगर आप लोगों को वर्ड का नहीं पता चलता तो आप लोग सॉन्ग्स के साथ भी रीड कर सकते हैं, द इस दिस, इज इस, आ ह एट हैट। तो हमारा आज का जो सेंटेंस है क्या है, टी एच आई एस दिस, आई एस इज, आ एच ए टी हैट, दिस इज आ हैट। हमारा आज का क्या सेंटेंस है, टी एच आई एस दिस, आई एस इज, आ एच ए टी हैट, दिस इज आ हैट। हमने आज का हमारा टॉपिक क्या है, यूज ऑफ दिस। तो आप लोगों का आज ये जस्ट वन सेंटेंस ही है कि आप लोगों ने फुल पेज जो है ये राइट करना है और सारी अभी स्पेलिंग याद करने हैं, ठीक है। टी एच आई एस दिस, आई एस इज, आ एच ए टी हैट, दिस इज आ हैट। ये आप लोगों का आज का इंग्लिश का काम है नोटबुक का। और नेक्स्ट है हमारी आज सेकंड लाइन, कल हमारी फर्स्ट लाइन थी, आज हमारी सेकंड लाइन, फ एन फैन क्या है, फ एन फैन, ट इन टिन, ब अन बन, ह एन हैन, ह ओप होप। देखें एफ की क्या साउंड है, फ, ए की ए, एन की न, फ एन फैन, फिर टी की क्या साउंड है, ट, आई की ई, एन की न, ट इन टिन। उसके बाद नेक्स्ट है बी की क्या साउंड है, ब, यू की अ, एन की न, ब अन बन। नेक्स्ट है एच की क्या साउंड है, ह, ई की ए, एन की न, ह एन हैन। उसके बाद है एच की क्या साउंड है, ह, ओ की ओ, पी की प, ह ओ प होप। हम अगेन रीड करते हैं, फ एन फैन, ट इन टिन, ब अन बन, ह एन हैन, ह ओ प होप। ये आप लोगों का इंग्लिश का काम है नर्सरी क्लास आज का, कल वाला भी आप लोगों ने साथ में रीड करना है, क एट कैट, प इट पिट, ब अट बट, म एट मैट, ल ओट लोट। जो जो सा वर्ड होगा उसी की आप लोगों ने साउंड्स को रीड करके वर्ड बनाना है, फ एन फैन, ट इन टिन, ब अन बन, ह एन हैन, ह ओप होप। ये आज का आप लोगों का सेकंड लाइन जो है ये आज की है, ये फर्स्ट लाइन जो है वो कल की थी। दोनों लाइन्स आप लोगों को अच्छे से आती हो, वर्ड आप लोगों को बनाना आता हो।